महक। हमारी गलती हमारे घर वालों से केस छुपाना नहीं थी, बल्कि अपने दुश्मनों को मिसजज करने की थी। लेकिन अगर हम भी झूठ बोलने लगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर अजय ने अपनी कोई भी लिमिट क्रॉस करी ना, I'll kill him। अजय को बेवकूफ बना के ना प्रॉपर्टी के पेपर्स इजीली तुम ले सकते हो। प्लीज महक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या क्या रीजन दोस्तों? हाँ, तुम्हारे मोहल्ले की ना हवा में हार है। बड़ी लो क्लास मेंटालिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अपनी किसी अमीर एक्स-गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हो। Hey, listen, पहले तो तुमने मेरी लाइफ कर दी, मेरी जिंदगी भर की कमाई किसी और के नाम साइन कर दी तुमने। महक, तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मेरे को अंदाजा भी नहीं था इस चीज का। वो लंच के डब्बे बेच के जो पैसे सेव किए थे ना, उस पैसों से अजय निक्की से लड़ना चाहता था। अरे लेकिन तुमने मेरा वो स्कोप भी खत्म कर दिया। शौर्य महक पर इतना गुस्सा करेगा? I can't believe this। अरे स्पूट ट्रक पे पैसे वेस्ट करके इसे साबित कर दिया आपको। तुम एक नंबर की बेवकूफ नहीं हो, एक बोझ हो, लाइबिलिटी हो मेरे ऊपर। शौर्य इनफ, बहुत बोल लिए तुम। अरे कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? लेकिन हम उसे ज्यादा देर बंद नहीं रखेंगे। क्या बात है? हाँ, तुम्हें बड़ी दया आ रही है। मुझे परेशान हो तुम। अजय, क्या तुम अंदर हो? खोलो भाई, खोलो। तुमने मेरी जान बचा ली है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। महक, ओ महक, मुझे रोड पे लाके मेरे घर में आराम से बैठी है। बाहर आ। हाथ मत लगा मुझे। सबने मुझे मना किया था कि इस लड़के से शादी नहीं करनी, और मेरी मत मारी गई थी। क्या तमाशा मचा रहे हो? क्या तमाशा मचा रहे हो? कुछ तो बहुत होगी ना तुम। मेरी माँ के हाथ से मुझे मार खिला के, अरे ये मिला तेरे प्यार में बेवफा। क्या बात कर रही है मालती, सच्ची? वाह, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। काश ये सब मैं अपनी आंखों से देख पाती। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो शौर्य का वीडियो भेज दिया। मैं भी तो देखूं क्या तांडव किया उसने दारू पी के। अरे वो तो बैटरी खत्म हो गई, वरना पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती। करुणा खानता ने झाड़ू से मारा उसको। क्या? शौर्य को झाड़ू से सबके सामने? अब पछताते होंगे। सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो महक की शादी अजय से कर दी होती। अजय, क्या हुआ बेटा? तू यहाँ? किससे बात हो रही थी? क्या हुआ? मालती चौहान थी, बता रही थी कल शौर्य ने शराब पी के बहुत लड़ाई झगड़ा किया और उसकी माँ ने कांता के साथ मिलके उसको झाड़ू से मारा, वो भी सबके सामने। जैसे हमारी बेइज्जती की थी ना उन शर्मों ने, आज उनकी और महक की उससे भी बुरी बेइज्जती हुई है सारे मोहल्ले में। करुणा बहन जी, करुणा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो हमारी महक को? हमारी महक कभी कोई गलती नहीं करती है, सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से पिस रही है। अरे पिस तो मेरा बेटा रहा है, वो भी इस महक की वजह से। पहले हमारी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और फिर वही प्रॉपर्टी अपने दोस्त को दे दी, और अब अपना असली रंग दिखा रही है ये। हाँ, क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे कैसे लड़ सकते हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मानसी तुम पीछे मत बोलो, समझी? लेकिन भाभी आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ओवर एक्टिंग मत करिए। मैम डिश टेस्ट कीजिए और प्लीज बताइए कैसी बनी है। निकी मैम, नमक नहीं है किचन। अजय को बोलो आने की। तलवारें चलाना बंद करो, समझौते का पुल बनाओ और महक शौर्या को जोड़ो। कैसे जोड़ें जब दोनों इतनी कोशिश कर रहे हैं अलग होने की, और ऊपर से करुणा जी साथ देने की बजाय उल्टा महक पे ही शक कर रही। हम ही क्यों झुके हर बार? वैसे बायोलॉजिकली तो नहीं, पर नेचर में तुम बिल्कुल शौर्य की माँ हो। जब गुस्सा होती हो ना तो नाक एकदम गेंदे के फूल की तरह फूल जाता है। शौर्य शराब पीकर आए और हमारी महक को कपड़ों की तरह धोके चला जाए, यही चाहते हैं आप? और ऊपर से करुणा जी भी आकर कुछ भी सुना के चली जाए। कम से कम तुम तब भी हीरे बोलो, हीरे बोलो। वैसे कल तक तो तुम बहुत महक 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 कर रही थी, आज क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तो मुझे लगता था कि शौर्य शायद हमारा गलत है, मगर आज जब इस महक को मैंने अजय के साथ देखा तब इसका असली रंग दिखा। अरे आज तो इसके मन में अजय की दोस्ती का मोर नाच रहा है। देखा, देख लिया आपने? ये फोड़ दिया ठीकरा महक के सर पे। अरे इनके लिए जान भी दे दो ना, वो भी कम है। बस कर। देखो जी, हमें आपका शौर्य बिल्कुल नहीं भाता है, और अब आपको भी हमारी महक में कमियां नजर आ रही हैं। तो फिर क्या फायदा है साथ रहने का? अलग हो जाते हैं ना। हाँ, तो हम कौन सा पीठ दिखा के जा रहे हैं? अरे छोड़ दो साथ, छोड़ दो हमें। हमें कौन सा रहना भला तुम्हारे साथ? अच्छा होगा हमारा भी भला होगा। अजय, हमको किचन में रीस्टॉक करना है, बहुत क्राइसिस है। अजय कहाँ जा रहे हो? लिसन आप। अरे यार निकी, मुझे पर्सनल काम के लिए बाहर जाना है। ओके बाय। वैसे भी मैं जो कर रही हूँ ना, सिर्फ पापा जी के लिए कर रही हूँ। हाँ, मैं भी जो कर रहा हूँ तुम्हारे चाचा के लिए कर रहा हूँ, समझी? ऑटो बुलाओ। हाँ तो बुला रहा हूँ ना। ऑटो आया वो। मोबाइल के नेटवर्क में आजकल मैं कहा जिस लंगूर से ना हमको इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। आगे से मिलेगा ना ऑटो? हाँ मुझे पता है। तो चलो ना। तो चल रहा हूँ ना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रीता से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे तो एकदम गुस्सा होना चाहिए। उसे अभी के अभी फोन कर और उसे अच्छी खासी सुना, तब आएगा मजा। हाँ लेकिन तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या वजह क्या है? नहीं ऐसी कोई खास वजह नहीं है। आई मीन पॉइंट आउट करूँ ऐसी कोई वजह नहीं है। उससे नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अच्छा एक बात बता, तू तो बिना वजह के अपसेट नहीं हो सकता। बता ना क्या किया उसको? वो कहीं भगवान से ये ना मांगने गई हो कि हमने जो उसे लाइफस्टाइल टेम्परेरी दी है उसे परमानेंट करना चाहती है। मिसेस व्यास के ट्रीटमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो तुम ऑफिस के अकाउंट से ले सकती हो, और ठीक होने के बाद अगर ये पूछे तो इनसे कह देना कि इनका कोई बेटा था ही नहीं। ये कमरा अब मिसेस व्यास की दुनिया होगी। ध्यान रहे आज से इस कमरे के बाहर दिख भी ना पाए। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया नरेन बाबू। सेठ जी आपको उठना होगा, दिखाना होगा भावराव और नागेश को एक औरत क्या कर सकती है। भावराव क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे 100 साल। आपकी बात कर रहा था इनसे मैं। ऐसे मायूस क्यों खड़े हो, अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? जानवी को लाइक करते हो? जानवी तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे बात छुपाकर हमारे प्यार पर तुमने उंगली उठाई है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाऊं। तुम जानवी का दिल जीतना चाहते हो तो मिलाओ।